बोकारो से सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से मौत हुई है। सीआरपीएफ जवान की ऑन ड्यूटी अपने बंदूक से गोली लगी, गलती से रामबाबू राय की बंदूक से गोली निकली। सीआरपीएफ जवान रामबाबू राय भदानी नगर चोरधरा के निवासी बताए जा रहे हैं। रामगढ़ जिले के घाटो केदला रावण कैंप में हुई घटना। तो रामगढ़ से खबर आ रही है, बता दें सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से मौत हो गई। सीआरपीएफ जवान की ऑन ड्यूटी अपने बंदूक से गोली लगी, गलती से रामबाबू राय की बंदूक से गोली निकली। सीआरपीएफ जवान रामबाबू राय भदानी नगर चोरधरा के निवासी बताए जा रहे हैं। रामगढ़ जिले के घाटो केदला रावण कैंप पे हुई घटना। बड़ी खबर रामगढ़ से, सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से मौत हुई है। सीआरपीएफ जवान की ऑन ड्यूटी अपने बंदूक से गोली लगी, गलती से रामबाबू राय की बंदूक से गोली निकली। सीआरपीएफ जवान रामबाबू राय भदानी नगर चोरधरा के निवासी बताए जा रहे हैं। रामगढ़ जिला के घाटो केदला रावण कैंप में हुई घटना। बड़ी खबर रामगढ़ से, सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से मौत हो गई। सीआरपीएफ जवान की ऑन ड्यूटी अपने बंदूक से गोली लगी, गलती से रामबाबू राय की बंदूक से गोली निकली। सीआरपीएफ जवान रामबाबू राय भदानी नगर चोरधरा के निवासी हैं। रामगढ़ जिले के घाटो केदला रावण कैंप में घटना हुई। रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से मौत हो गई है। सीआरपीएफ जवान की ऑन ड्यूटी अपने बंदूक से गोली लगी, गलती से रामबाबू राय की बंदूक से गोली निकली। सीआरपीएफ जवान रामबाबू राय भदानी नगर चोरधरा के निवासी बताए जा रहे हैं। रामगढ़ जिले के घाटो केदला रावण कैंप में हुई घटना। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता मंसूर खान। मंसूर, सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से मौत हो गई है और खबर सामने आ रही है कि उनकी बंदूक से ही गलती से गोली लगी जिससे उनकी मौत हो गई। जी मैम, ये खबर रामगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र का है जी, जिसकी घटनास्थल का पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि घटनास्थल सूत्रों के अनुसार बोकारो जिला में भी ये घटना कहा जा रहा है जी। रामगढ़ जिला का अंतिम सीमा क्षेत्र है और ये बोकारो जिला का मामला है, जहां जानकारी प्राप्त हुई है कि रावण कैंप में पदस्थापित सीआरपीएफ जवान 26 बटालियन के जवान हैं, जो रामगढ़ जिला पतरासू भदानी नगर के रहने वाले जी, और आज वो ड्यूटी पे तैनात है। इस दौरान ड्यूटी के दौरान ही अपनी ही गन से बंदूक को उसे गलती से गोली लगने से उनकी आज मौत हो गई है, जिसकी डेड बॉडी गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद कुछ ही देर बाद रामगढ़ जिला पतरातू लाया जाएगा। मंसूर, जो अन्य जवान है, सीआरपीएफ अन्य जवान है जो उनके सहकर्मी है, उनसे क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिली है? जिस हद तक जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये हादसा के रूप में लोग देख रहे हैं और गलती से गोली लगने से उनकी मौत कही जा रही है। मंसूर, बहुत धन्यवाद आपका। तो बोकारो से, माफ करिएगा, बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है, बता दें कि सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से मौत हो गई है। खबर सामने आ रही है कि उनकी बंदूक से ही गलती से गोली लगी जिससे मौत हो गई।